आखिरकार भारत ने यूरोप को ना कह दिया है। भारत एक बहुत बड़े घाटे में जाने से बच गया है, लेकिन आने वाला समय भारत के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के जहाज को क्यों पकड़ लिया भारत ने, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपीय संघ का प्रस्ताव है कि भारत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाले स्टील और सीमेंट जैसे अपने प्रोडक्ट पर टैक्स लगाए, जिसे उसकी सीमा में आने पर ईयू ऑफसेट कर देगा, लेकिन भारत ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन करने वाले अपने उद्योगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने के यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय संघ का प्रस्ताव था कि अगर ऐसे उद्योगों से तैयार प्रोडक्ट उसकी सीमा पर आते हैं तो इन्हें ऑफसेट करने यानी खुद कार्बन उत्सर्जन की अतिरिक्त कीमत चुकाने को तैयार हैं। यूरोपीय कमीशन में टैक्स और कस्टम यूनियन मामलों के निदेशक गेरासिमोस थॉमस के नेतृत्व में एक यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का प्रस्ताव भारत को दिया था। इस पर रॉयटर्स से बात करते हुए भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि उनका यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है, उनकी टीम आई हमसे मिली, जो तरीका वो सुझा रहे हैं वो भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए काम का नहीं है। नई दिल्ली ने इस मामले पर अपना रुख यूरोपीय यूनियन को साफ कर दिया। भारत प्रस्तावित CBM को अनुचित और घरेलू बाजार की कीमतों के लिए नुकसानदायी बताया। यूरोपीय यूनियन ने 2023 ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोडक्ट जैसे कि स्टील, अल्मोनियम, सीमेंट के आयात पर अतिरिक्त कर लगाने की बात कही गई थी। नई नीति का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स का विरोध क्यों हो रहा है? जुलाई की शुरुआत में यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि भारत से तकनीकी स्तर पर बातचीत चल रही है। चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत सरीखे देशों ने CBM का विरोध किया है। यूरोपीय संघ की कोशिश है कि इन देशों के साथ इस मैकेनिज्म पर सहमति बनाई जा सके। यूरोपीय आयोग ने भारत से कहा है कि कार्बन टैक्स के पीछे उनका प्राथमिक लक्ष्य राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के बाजार में ज्यादा हरित उत्पाद पहुंचाना है। यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक भारत सप्लाई चेन की बेहतरी के लिए खर्च करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपना कार्बन टैक्स लगा सकता है और यूरोपीय संघ के बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकता है। वहीं सेठ के मुताबिक स्टील इंडस्ट्री को हरित बनाने के लिए अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ आमदनी यूरोप के मुकाबले 20 गुना कम है, क्या हम ऊंचे दाम सह सकते हैं? नहीं। अगर ये मानकर चलें कि भारत का उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले घरेलू प्रोडक्ट पर भारत में टैक्स नहीं लगाता है तो ऐसे में 1 जनवरी 2026 के बाद से यूरोपीय यूनियन स्टील और अल्मोनियम से जुटी शिपमेंट पर कम से कम 20-35% तक टैक्स लगाएगा। कार्बन टैक्स का असर भारत और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन पर बना ये गतिरोध मुक्त व्यापार समझौते पर भी खलल डाल सकता है। दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव थिंक टैंक के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक ऐसे में जब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ FTA के लिए बातचीत कर रहा है तो ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जहां भारतीय प्रोडक्ट पर यूरोप में 20-30% कार्बन टैक्स लगेगा और उनके प्रोडक्ट भारत में ड्यूटी फ्री रहेंगे। यूरोपीय यूनियन भारत के लिए दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट ठिकाना है। 2023 में भारत ने करीब $100 बिलियन से ज्यादा के उत्पाद यूरोपीय संघ में निर्यात किए। कहा जा रहा है कि भारत चाहता है यूरोपीय संघ 2015 के पेरिस समझौते में तय नियमों पर बरकरार रहे, जिनके अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों के उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य विकसित देशों के मुकाबले लचीले हो सकते हैं। थिंक टैंक एम्बर के मुताबिक 2022 में 632 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे की कार्बन इंटेंसिटी वाला भारत अक्षय ऊर्जा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। साथ ही 2018 से अब तक कार्बन इंटेंसिटी में 3.5% की गिरावट दर्ज कर चुका है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इकलौते यूरोपीय यूनियन के लिए हरित उत्पाद निर्यात करने से जुड़ी चुनौतियों पर कहा जा रहा है कि हमारे पास करीब 170 से 180 गीगावाट अक्षय ऊर्जा है, लेकिन ये रात के वक्त उपलब्ध नहीं रहती है। वैसे आपको बता दूं, गिटरी ने भी भारत को यही कहा है कि अगर
भारत यूरोपीय संघ ये कहा है कि यूरोपीय संघ का भारत को उसे कार्बन कर का भुगतान करने के बजाय अपना स्वयं तंत्र विकसित करने का सुझाव घरेलू कंपनियों के लिए अधिक मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि वे अब भी यूरोपीय संघ को अपने निर्यात पर शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होंगे। आर्थिक शोध संस्थान गिटरी ने बुधवार को कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि कार्बन की कीमतें आमतौर पर किसी देश की आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है, इसलिए केवल स्थानीय कर जोड़ने से समग्र कर का बोझ कम नहीं होगा। खबरों के अनुसार यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया था कि भारत अपना स्वयं का कार्बन कर लागू कर सकता है, कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। GTRI ने कहा कि यद्यपि यूरोपीय संघ उच्च कार्बन कीमतों को वहन कर सकता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक औसत कार्बन मूल्य 6 अमेरिकी डॉलर प्रति टन CO2 है। यदि भारत में उत्सर्जन प्रणाली स्थापित करता है, कार्बन मूल्य निर्धारित कर सकता है, तो यह 10 अमेरिकी डॉलर प्रति टन CO2 से कम होने का उम्मीद है। यूरोपीय संघ ने जिस तरीके से ये फैसला किया है, 1 जनवरी 2026 से यह लागू होगा और भारत के साथ साझा करना होगा डेटा। शोध संस्थान के अनुसार भारत की कंपनियों पर 20-35% का झटका यहाँ पर लगने वाला है और इससे भारत के GDP में 0.5 का नुकसान बिल्कुल देखने को मिल रहा है। खैर, अब जहाँ पर यूरोपीय यूनियन जो कर रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट में कोई दूसरा तीसरा आए, ये अपना फायदा बढ़ाना चाहते हैं इसलिए भी। खैर, जहां यूरोप कुछ ऐसा सोच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चाइना के एक शिप के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, और ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, ये उड़ीसा के हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया और इस हाई कोर्ट के अरेस्ट वारंट के बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि बड़ा ही चौंकाने वाला ये खबर है, लेकिन बिल्कुल इसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के पीछे वजह क्या बताई जा रही है, तो गिरफ्तार करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और कारण ये है कि जहाज का ऑनर और जहाज की कंपनी दोनों के साथ समस्या ये थी कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। जहाज के ओनर को जहाज की कंपनी के द्वारा पेमेंट बाकी था। हालांकि अपने आप में ये एक अलग ही चीज देखने को मिल रही है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर पहली बार ये चीज देखने को मिला। कहा गया कि चाइना के इस शिप को सीज करने की बात आई थी, पर सीज जब नहीं हुआ तो फिर इसे इमीडिएट तौर पर गिरफ्तार करने के लिए कहा गया और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या आता है वो समय बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।